Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Class 4, this is your maths period and today is our lecture number 21 and today we are going to start our revision of first unit which is whole numbers and operations. Okay students, humne first unit complete kar liya hai, ab hum iski revision start karne lage hain. So let's start our work. So here we have concept of 100,000. So students, as you all know, here we have ones, आप इसको ones भी कह सकते हैं और units भी कह सकते हैं. Then tens, after that hundreds, then thousands, then 10,000s and finally 100,000s. So students, 100,000 is a dash digit number. How many digit numbers, tell me? 100,000 is a 6 digit number. You can also count it like 1s, like 1, 2, 3, 4, 5, 6. So whenever someone asks you, or anyone asks you that 100,000 is a dash digit number, you will say 100,000 is a 6 digit number. And 10,000 is a 5 digit number, 1,000 is 4 digit number, 100 is 3 digit number and vice versa. Okay. So students, here we have write the place value of colored and underlined digit. ठीक है? तो किसी भी number में अगर किसी digit की place value बतानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको place value table लाजमी आता हो. जो मैंने आपको भी ये place value table 100,000 का बताया है तो आपने ये लाजमी आपने याद कर लेना है. ठीक है? तो जो भी आपको number दिया जाएगा उसके आप ऊपर front उसके ऊपर बिल्कुल आपने place value table बना लेना है. like हमारे पास ये number था 159306. ठीक है? आप इसके ऊपर place value table भी बना सकते हैं. अगर आपको जुबानी याद है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं. ये है ones, then tens, then 100, then 1,000, then 10,000 and then 100,000. ठीक है? So student, what is the place value of 9? You can see here the place value of 9 is thousands. Okay, so we will write 9,000s or 9,000. We will write both in words and in digits. Okay, तो आपने ये दोनों तरह से लिखने हैं क्योंकि दोनों के marks होते हैं. जब आप paper में या monthly test या whatever आप इसको test में भी क्या नाम है attempt करते हैं ना question को, तो आपने दोनों form में लिखने होते हैं, दोनों के marks होते हैं. And C part is 733,589. So 7 की place value क्या है? 700,000. यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हम इसको ठीक कर लेते हैं. This is not 2, this is, it is 7. 700,000. ठीक है? बाकी 3 parts आप खुद से भी solve कर लेंगे, बहुत easy है. इसी तरह आपने इसको solve करना है. और यहाँ पे 400 नहीं है. ठीक है? Just 4 colored है, 4 वाला colored है, आपने 4 की place value लिखनी है. ठीक है? So the next is write in expanded form. So students, what is expanded form? As from name expand, you it is clear that you have to expand the word. ठीक है? Expand the number, expand the value. Expand means spread करना, उसको फैला देना. ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे example में आप देख सकते हैं एक number है 20,017. तो उसका easy way out क्या है कि आपने किस तरह से करना है? आपने पहले 2 लिखने हैं, उसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उसकी जगह आप जीरो लगा देंगे. लाइक 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट से आपने 4 जीरो लगा दिए. सेकंड, आपके पास जीरो है, जीरो का आप 1 टाइम लिखें या 2 टाइम्स लिखें या जितनी दफ़ा भी लिख लें, जीरो की वैल्यू जीरो ही रहती है. ठीक है? फिर जीरो एक दफ़ा हम लिख लेंगे, देन अगेन जीरो, देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1 है, 1 के बाद सिर्फ 1 डिजिट है तो उसकी जगह हम 10 लगा देंगे और देन 7. ठीक है? यहाँ एक मैं सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ लास्ट वाला. लाइक हमारे पास 78,456 है तो मैं 7 लिखूँगी और बाकी डिजिट्स को 0 से रिप्लेस कर दूँगी. लाइक 8 को 0 से रिप्लेस कर दिया, 4 को 0 से रिप्लेस कर दिया, 5 को एंड देन 6 को. After that मैंने 7 लिख लिया, मैंने इसको क्रॉस कर दिया फॉर माई कन्वीनियंस ताकि मुझे याद रहे कि मैंने 7 को 7 की
जो नंबर है 7 की प्लेस वैल्यू है वो मैंने लिख ली है। उसके बाद 8 को लिखेंगे, 8 उसके बाद आप 8 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उसकी जगह आप 30 प्लेस कर देंगे क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, ये भी लिख लिया। अगेन हम 8 को भी क्रॉस कर देंगे, देन हमारे पास 4 है, 4 लिखेंगे, 4 के पास बाद 2 डिजिट्स हैं, 20 लगा देंगे, 4 भी हो गया। अब हमारे पास 5 है, 5 के बाद हमारे पास 1 डिजिट है, उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, देन आफ्टर डैट 5 भी हो गया। अब लास्ट हमारे पास 6 है, 6 के पास कोई डिजिट नहीं है स्टूडेंट्स, तो 6 एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो ए और बी पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे। आफ्टर डैट राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ ईच नंबर, ये कॉन्सेप्ट क्लास आपने क्लास 3 में भी किया हुआ है। तो प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर मीन्स जस्ट बिफोर, बिफ़ोर आपको पता है ना, पहले वाला नंबर लिखते हैं किसी भी नंबर से पहले। और फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप क्या करो, -1 कर दो, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है उसमें से -1 कर देना है, ठीक है। और सक्सेसर का मतलब होता है जस्ट आफ्टर, मतलब बाद वाली वैल्यू लिखनी है, जो नंबर दिया होता है ना उसके अगली वाली वैल्यू लिखनी होती है। और अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी होगी तो आपने +1 कर देना है। लाइक मैं एक नंबर ले रही हूँ 15876, हमने इसका प्रीडिसेसर भी लिखना है और सक्सेसर भी लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 15876, इसमें से मैं कर देती हूँ -1, क्योंकि मुझे समटाइम्स कन्फ्यूजन भी होती है, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता। तो हम अगर ये कर लेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता होगा हमारा आंसर एग्जैक्ट है, बिल्कुल ठीक है। 6 में से 1 गए 5, 7 में से कुछ भी नहीं जा रहा, 7 एज इट इज़, 8 भी एज इट इज़, 5 भी एज इट इज़ और 1 भी। सो द प्रीडिसेसर इज़ 15875, ठीक है। आफ्टर डैट यू हैव टू फाइंड आउट द सक्सेसर, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, टेल मी, येस वेरी गुड, वी हैव टू एड 1, वेरी गुड, हमें 1 प्लस करना होता है गिवन वैल्यू में ही, जो आपको वैल्यू दी हुई है ना उसी में आपने 1 प्लस करना है। 6+1 7, 7 एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज देयर इज नथिंग टू एड ऑन इन द प्रीवियस नंबर, इन द रिमेनिंग नंबर्स, ओके। सो द सक्सेसर इज़ 15877। तो बाकी 3 जो इसके पार्ट्स हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुके हैं तीनों कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।